हेलो स्टूडेंट्स, लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर 5। स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू अपनी स्टडी आगे बढ़ते हैं। नीचे आपको हमारा नंबर दिया गया है 9690653773। साथ में हमारी ईमेल आईडी भी दी गई है atulp024@gmail.com। आप इन नंबर्स और मेल आईडी पर अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं और उसके रिकॉर्डिंग आप जो है अपने प्रॉब्लम्स का समाधान पा सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक ट्रांसवर्सल्स। ट्रांसवर्सल क्या होता है? आपके सामने दो फिगर्स दिए गए हैं। पहले फिगर्स हैं, तीन स्ट्रेट लाइनें हैं जिस पर एक क्रॉस तिरछी लाइन हमें जो है उसे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। सेकेंड फिगर में दो रोड्स दिखाई दे रहे हैं जिस पर एक तीसरी तिरछी स्लेंट हमारी रोड है जो कि उन्हें दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ट्रांसवर्सल लाइंस, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू आर मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट आर कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल्स। यानी ऐसी लाइन जो कि दो या दो से अधिक स्ट्रेट लाइन को कट करती है, अलग अलग पॉइंट पर, डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करती है, वो लाइन हमारी ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। नाउ स्टूडेंट्स, एक फिगर आपको दिखाया गया है जिसमें दो लाइनें हैं एल एंड और ट्रांसवर्सल लाइन पी से इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, जिससे पी और लाइन एल एक दूसरे के साथ जो है फोर एंगल्स बना रहे हैं, 1 2 3 4। एंड एंगल लाइंस एम और लाइन पी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने पर चार एंगल बन रहे हैं, 5 6 7 8। नाउ स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर कुछ एंगल्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। फर्स्ट, इंटीरियर एंगल्स। ये इंटीरियर एंगल कौन कौन से एंगल होते हैं? आपको इस फिगर में इंटीरियर एंगल दिखाए गए हैं, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। ये चारों एंगल इंटीरियर एंगल हैं। एक्सटीरियर एंगल, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये चार एंगल इस एंगल में ट्रांसवर्सल लाइन द्वारा बनाए जाने पर ये एक्सटीरियर एंगल है। पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वे कौन कौन से पेयर हैं जो कि करेस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं? तो एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7 एंड एंगल 4 एंड एंगल 8 पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 5 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 7 आर पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6 आर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल्स। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम, टॉपिक ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। यहाँ पर दो लाइनें हैं एल और एम जो कि पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल लाइन टी जो है इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करती है। तो इसमें जो प्रॉपर्टी के बेस पर जो हमारे रूल्स हैं उसको मैं आपको बताता हूँ। इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाई अ ट्रांसवर्सल, ईच पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल इन मेजर। अगर जो है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इफ़ टू पैरेलल लाइन आर कट बाई अ ट्रांसवर्सल, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, देन द ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के एंगल्स का सम हमेशा सप्लीमेंट्री होता है। सो स्टूडेंट्स, इस तीन बातों को हमेशा रिमेंबर याद रखना है। नाउ स्टूडेंट्स, अपनी एक्सरसाइज 5.2 को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए वन, फर्स्ट, इफ ए इज पैरेलल टू बी
देन एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल 5. अगर ए और बी जो है आपस में पैरेलल हैं तो क्या एंगल 1 और एंगल 5 जो हैं ये इक्वल हैं, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का नाम बताना है. तो स्टूडेंट्स, एंगल 1 एंड एंगल 5 आर करस्पॉन्डिंग एंगल, सो अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5. सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट, इफ़ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 देन ए इज़ पैरेलल टू बी. एंगल 4 और एंगल 6 आर इक्वल हैं तो दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सो बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन अ पैरेलल लाइन, इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल. नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट, इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 देन ए इज पैरेलल टू बी. स्टूडेंट्स, एंगल 4 और एंगल 5 ये इंटीरियर एंगल है ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. हम जानते हैं कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के एंगल्स का सम जो है सप्लीमेंट्री होता है, दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, इन द एडजॉइनिंग फिगर पी इज पैरेलल टू क्यू, फाइंड अननोन एंगल्स. सो स्टूडेंट्स, एंगल 125 प्लस एंगल ई इज अ करिस्पॉन्डिंग एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर, सो अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर 180 माइनस 125 दैट इज इक्वल टू ए इज ई इज 55 डिग्री. ई और एफ आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सो एफ इज आल्सो अ 55 डिग्री. एंगल एफ और एंगल ए इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो एंगल ए इज आल्सो 55 डिग्री. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो एंगल सी इज आल्सो 55 डिग्री. एंगल सी प्लस एंगल डी, दे आर लीनियर पेयर, सो 180 माइनस 55 दैट इज इक्वल टू 125, सो डी इज इक्वल टू 125. एंगल डी एंगल बी आर इक्वल, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, डी इज 125, सो बी इज आल्सो 125. सो ए इज 55, बी 125, ई सी 55, डी 125 एंड ई 55, एफ 55. सो स्टूडेंट्स, टाइम फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ द टू एंगल आर पैरेलल. If angle ABC equal to 70 degree, then find angle DGC, angle DEF. Students, angle DGC, DGC is equal to angle ABC because they are corresponding angle, and corresponding angle ke according in a parallel line, corresponding angles are equal. So angle DGC is equal to 70 degree. Now students, DEF. DEF is equal to angle DGC because DGC and DEF both are corresponding angles in a parallel line. Corresponding angles are equal, so DEF is also a 70 degree. Now students, हमने देखा कि आपके इस exercise के क्वेश्चंस को बड़े इजी मोड में बड़े ही आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे समझा, और जो भी क्वेश्चन इसमें छोड़े गए हैं वे अल्टरनेट आपके होमवर्क हैं. हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन के बेस पर आप जो है इसके अल्टरनेट छोटे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करें, अपनी पढ़ाई करें, अपने घर पे रहें और अपने लिए हमेशा 2 घंटे का समय मैथ के लिए स्पेशली निकालें. थैंक यू स्टूडेंट्स.